गुड मॉर्निंग क्लास, यूनिट नंबर 5। टुडे आवर टॉपिक इज रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, सो व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम? इफ अ पॉलीनोमियल px इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर डिवाइजर x माइनस a, देन द रिमाइंडर इज p इनटू a। यू शुड नो व्हाट इज पॉलीनोमियल, चैप्टर नंबर 4 में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। सो For further explanation, we have an example that is use remainder theorem to find the remainder when 9x square minus 6x plus 2 is divided by x minus 3. So by solving this equation, first of all हम क्या करेंगे? Let given expression को हम px is equal to 9x square minus 6x plus 2 and divisor is x minus 3। so हम क्या करेंगे remainder find करने के लिए? let divisor x minus 3 is equal to 0। अगर हम देखें तो general division हम कर सकते हैं, इसको हम जब हम divide करेंगे इसके साथ तो कुछ ना कुछ remainder तो बचेगा ना। लेकिन यहां पर हमें example question क्या कह रहा है? question कह रहा है use remainder theorem। This word should be noticed. इसको notice करें, use remainder theorem to find remainder. So remainder theorem use करने के लिए हम क्या करते हैं? Divisor को let करते हैं 0 के equal, then हमारे पास x की value आ जाती है, 3 इधर minus हो रहा है, उधर जाके plus हो जाएगा। So put x is equal to 3 in p of x. इस x की वैल्यू को गिवन p ऑफ x में हम पुट कर देंगे, देन r रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ x, x की जगह हम क्या पुट करेंगे? 3। और फिर आगे एक्सप्रेशन में जिधर जिधर x है उधर हम 3 की वैल्यू रख देंगे। यहां पर x स्क्वायर है तो x की जगह 3 और उसका स्क्वायर, देन माइनस 6 इंटू 3 प्लस 2, देन r इज इक्वल टू 9 इंटू 9, 3 का स्क्वायर 9 एंड 6 इंटू 3 इज 18 प्लस 2। एज वी नो दैट 9 9s आर 81, माइनस 18 प्लस 2 एंड 81 प्लस 2 एंड माइनस 18, 81 और प्लस 2 को अगर हम इकट्ठा करेंगे ऐड करेंगे तो वी गेट 83 माइनस 18, एंड देन 83 में से 18 को जब हम माइनस करेंगे वी गेट 65। सो दिस इज रिमाइंडर। सो ये सारा जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। यहां पर जब हम x की वैल्यू को इस गिवन px में पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास मेथड जो है रिमाइंडर थ्योरम आ जाता है, और थ्रू दिस मेथड वी गेट रिमाइंडर। सो दिस इज रिमाइंडर। नो क्लास, एक्सरसाइज 5.3। क्लास और न्यू एक्सरसाइज इज 5.3। क्वेश्चन नंबर 1, यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, पार्ट 1 इज 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। हम क्या करेंगे? हम इसको डायरेक्ट डिवीजन से नहीं करेंगे, हमारे पास उन्होंने कंडीशन रखी क्वेश्चन में, कंडीशन इज यूज रिमाइंडर थ्योरम। सो रिमाइंडर थ्योरम यूज करने के लिए लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6 एंड देन डिवाइजर इज x माइनस 2। तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं? लेट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन वी गेट x इज इक्वल टू 2। यहां पर x की वैल्यू जो हम फाइंड करते हैं गिवन डिवाइजर से, हम उसको क्या करेंगे? नाउ पुट x इज इक्वल टू 2 इन p ऑफ x। जो हमारे पास गिवन p ऑफ x है वहां पर हम x की वैल्यू रख देंगे। जब हम x की वैल्यू रखेंगे ये ऑटोमेटिकली रिमाइंडर आ जाएगा।
एंड देन एक्स की जगह टू पुट कर देंगे, फिर गिवन जो पॉलिनोमियल है उसमें जहां जहां एक्स है वहां पे टू रखेंगे, और जैसे जैसे एक्स की वैल्यू है वो टू की भी वैल्यू होती जाएगी, जैसे इधर क्यूब है इधर स्क्वेयर है एंड देन 13 × 2 − 6, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 3 × 2 की वैल्यू क्यूब क्या आ जाएगी 8 एंड देन 2 का स्क्वेयर इज 4 एंड देन 13 × 2 = 26 एंड देन अगेन r इज इक्वल टू r इज रिमाइंडर इज इक्वल टू 3 × 8 = 24 10 × 4 = 40 प्लस 26 − 6, यहां पर प्लस वाली कटी हो जाएंगी, प्लस वाले नंबर अलहदा कर लिए और नेगेटिव वाले अलहदा कर लिए, देन 24 और 26 दैट इज इक्वल टू, अगर हम इनको ऐड करें तो दैट इज इक्वल टू 50 एंड देन −40 और −6 इज 46 एंड देन 50 में से 46 को माइनस करें तो वी गेट 4, सो 4 इज रिमाइंडर। क्लास पार्ट नंबर 2 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 1 पार्ट 2 दैट इज 4x³ − 4x + 3 इज डिवाइडेड बाय 2x − 1, सो बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम लेट p of x is equal to 4x³ − 4x + 3 and divisor is 2x − 1, so let divisor is 2x − 1 is equal to 0 and x is equal to 1 उधर जाके plus हो जाएगा और 2 divide हो जाएगा, so x is equal to 1/2, so put x is equal to 1/2 in p of x, तो जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो देन r इज इक्वल टू p ऑफ x, x की जगह क्या पुट करना है 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू 4 × 1/2³ एंड देन 4 × 1/2 + 3 एंड r इज इक्वल टू 4, 1/2 का अगर हम क्यूब लें तो हमारे पास 1/8 आ जाता है, 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8 एंड देन 4 × 1/2 + 3, देन अगर हम देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 1 टाइम एंड 4 2 टाइम 2 1 टाइम एंड 2 2 टाइम 4, यहां पर क्या आ गया हमारे पास 1/2 − 2 + 3 एंड देन 1/2, यहाँ पे 3 में से 2 को माइनस किए तो हमारे पास आ गया 1 एंड देन अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले ले तो 2 आ जाएगा, तो 2 1 टाइम एंड 1 2 टाइम, 1 1s आर 1 एंड 2 1s आर 2, देयरफॉर रिमाइंडर इज 3/2। क्लास पार्ट नंबर 3 जो है वो आप खुद कर सकते हैं, मैं आपके लिए पार्ट नंबर 4 कर रहा हूं, क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3। अगेन हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है दैट इज 2x − 1 का होल क्यूब + 6 × 3 + 4x, आई थिंक दैट इज स्क्वेयर, यहां पर स्क्वेयर है 4x² देन −10 इज डिवाइडेड बाय 2x + 1, सो एज यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम वी फाइंड रिमाइंडर, सो लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 2x − 1 whole cube + 6 × 3 = 4x² − 10 एंड डिवाइजर इज 2x + 1,
सो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम हम क्या करते हैं, लेट 2x जो डिवाइजर है उसको हम जीरो के इक्वल रखते हैं। जीरो के इक्वल रखने के बाद x इज इक्वल टू, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा एंड 2 डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1/2। सो पुट x इज इक्वल टू माइनस 1/2 इन गिवन p ऑफ x। तो जब हम ये x की वैल्यू पुट करते हैं गिवन p ऑफ x में तो वो ऑटोमेटिकली रिमाइंडर आ जाएगा उसका। तो p ऑफ x की जगह हमने 1/2 यूज करना है, दैट विल बी इक्वल टू जहां जहां पे x है हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल में वो हम 1/2 लगा देंगे, ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1 होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4 माइनस 1/2 इसका होल स्क्वायर है एंड माइनस 10। सो r इज इक्वल टू, यहां पर जो कैंसिल होता है उसको पहले कैंसिल कर लें, ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 4 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम एंड 2 टाइम। यहां पर क्या बच गया हमारे पास, माइनस 1 एंड माइनस 1 का क्यूब प्लस 6 इंटू 3 एंड प्लस 2, ये प्लस जो है इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 10 एंड देन माइनस 1 एंड माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 का होल क्यूब एंड देन 6 3 में से 2 माइनस किए 1 का स्क्वायर एंड 10। अगर हम देखें माइनस 1 का क्यूब जो है दैट इज इक्वल टू माइनस 8 एंड 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 6 वन आर 6 माइनस 10। यहां पर अगर हम माइनस 8 और माइनस 10 को इकट्ठा करें तो वी गेट माइनस 18 प्लस 6। तो 18 में से माइनस 18 में 6 प्लस किए तो वी गेट माइनस 12 एंड दैट इज रिमाइंडर। नाउ क्लास दिस इज हाउ वी कैन यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर। सो प्लीज नोट योर होमवर्क, हियर इज योर होमवर्क। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 टू पार्ट 5। सो प्लीज डू योर होमवर्क इन योर नीट रजिस्टर। थैंक यू।